Okay, so now everyone is there. Now let's see. तो जैसे कि बता रहे थे कि ग्राफिकल सॉल्यूशन को समझने से पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स को समझने की जरूरत है, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसमें किन किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, या फिर उनमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और उन उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज हम लोगों को समझने की जरूरत है. So you all know this graph, okay? So you had done this kind of graph. So one is the horizontal line, which is known to be as the x-axis, and one is the vertical line, which is known to be as the y-axis. And the point where they are intersecting, that is called to be the origin. Means जहाँ पर ये मिलता है, इसको हम लोग origin point कहते हैं. Now I'm starting from the beginning. ठीक है, हम एकदम बिगनिंग से बता रहे हैं ताकि अगर कहीं पे कोई भी डाउट अगर हो तो वो भी क्लियर आउट हो जाए. ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे टर्म्स जो कि यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है उनको भी हम यूज करेंगे ताकि तुम लोगों को इजी हो जाए इन सभी चीजों को इजीली प्लॉट करने के लिए. ठीक है, तो जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, यानी टू डायमेंशन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पे तुम लोगों के पास फोर डिफरेंट कॉलम्स तैयार हो जाते हैं. 1, 2, 3, 4, इनको हम लोग क्वाड्रेंट्स कहते हैं. ठीक है, इनको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है. सो दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये इसी तरह से जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इसी तरह से करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से कहीं पर भी कर लेंगे. सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, यहां से हम लोग इधर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट से इधर आएंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर यहां से घूमते हुए जाएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, और इन क्वाड्रेंट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को समझने की जरूरत होती है. दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज टू बी पॉजिटिव पॉजिटिव, वेयर एज द सेकंड क्वाड्रेंट यूज टू बी नेगेटिव पॉजिटिव, द थर्ड क्वाड्रेंट इज ऑफ नेगेटिव नेगेटिव, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये भी जो है, ये भी हम लोगों को क्वाड्रेंट के अंदर ही याद रखना है. ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होता है. तो ये क्या होते हैं, असल में ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है. कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो हम लोग ये टू डायमेंशनल फिगर बनाने वाले हैं, इस टू डायमेंशनल फिगर के अंदर या टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, जिस भी तरह से आ सकता है. ठीक है, तो इस चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत होती है. ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. तो जब हम लोग अपने ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, मतलब ग्राफ के लिए ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का प्लॉटिंग कर लेते हैं, तब हम लोग ओरिजिन से जब राइट साइड की तरफ मूव करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू. वी विल नॉट राइट पॉजिटिव साइन जस्ट टू मेक यू नो आई एम गिविंग दिस पॉजिटिव साइन. इट इज नॉट नेसेसरी टू प्लेस द पॉजिटिव साइन ओवर देयर. सो दिस इज 3, then 4, then 5, 6, 7, and so on. And when you move to the left side on the x-axis, that would be negative. And you here you have to place the negative sign. So, yahan pe tumko negative sign dena padega. So, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, and minus 7, and so on, as many as you can go for. Y एक्सिस पे जो ऊपर की तरफ का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है. सो दिस यूज टू बी 1, 2, 3, 4, 5, एंड दैट दे ऑल विल बी इन इक्वल डिस्टेंस. ठीक है, वो हर एक इक्वल डिस्टेंस में ग्राफ में, जैसे कि तुम लोगों के पास जो ग्रिड होता है, ग्रिड के हर एक लाइन के ऊपर तुम लोग उसको प्लॉट कर सकते हो. और यहाँ पर ये ग्राफ हमेशा ग्राफ के बीच में बनते हैं. ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सेंटर पर ड्रॉ करना पड़ता है. So over here, we will get it as negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and negative 5, and so on, if it is a little bit more also. So now this is the component which is important for us. यहाँ पर ये component हम लोगों के लिए बहुत important हो जाता है. ठीक है, तो x-axis पर right side की तरफ positive quantity होती है,
लेफ्ट साइड की तरफ हम लोगों का नेगेटिव क्वांटिटी होता है, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हम लोगों का पॉजिटिव होता है और वाई डैश में नीचे की तरफ हम लोगों का नेगेटिव क्वांटिटी होता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली वी आर गोइंग टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट पॉइंट? कोऑर्डिनेट पॉइंट कैन बी ऑफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसको हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट बोल सकते हैं। से एज फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट टू बी प्लेस, से एज ए यू हैव टू प्लेस विच इज बीन सेट -2 and 3। -2 और 3 को हमको इस ग्राफ में प्लॉट करना है। सो हाउ कुड वी प्लॉट दिस वन? सो टू प्लॉट दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द टर्म्स ओवर हियर। सो यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव एंड द सेकेंड टर्म इज पॉजिटिव। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑलवेज द फर्स्ट टर्म शोज द एक्स एंड द सेकेंड टर्म शोज द वाई। ऑलवेज इट इज कंपल्सरी, द फर्स्ट विल बी द एक्स वन एंड द सेकेंड वन विल बी द y1. So over here you have the first one as negative and the second one is as positive. Now if suppose the question has been asked to you that to which quadrant it lies, ye kis quadrant mein lie karta hai, to hum pehle tum logo ko ye bata chuke the, positive used to lie on the first quadrant, negative positive used to lie on the second quadrant, negative used to lie in the third quadrant and positive used to lie in the fourth quadrant. So I hope you all remember that one. Okay, now if I ask you that in which quadrant it lies, so minus and plus, so in which quadrant it will lie to? It will be lie on the second quadrant. Yes, second quadrant mein lie karega. ठीक है, तो खैर अभी वो क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हम पहले तुम लोगों को बता चुके हैं कि हम कुछ बेसिक से चीजों को से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों ने बताया कि कोऑर्डिनेट्स भी तुम लोगों को नहीं पता है, तो वहां पर तुम लोगों को इन पॉइंट्स को जानने की जरूरत है। यहाँ पे तो सीधे सीधे अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन में जाना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, लेकिन ये बेसिक सा चीज था जो कि तुम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हुए थे। सो एक रिकॉल हो गया ताकि तुम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो सके। अब हम लोग देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, -2 और +3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो -2, और पहले ही हम बता चुके हैं द फर्स्ट वन इज ऑलवेज द एक्स, सो यू लुक फॉर एक्स, सो एक्स -2 इज ओवर हियर एंड वाई +3 इट इज ओवर हियर। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए तुम लोग डॉटेड लाइन से कर लो, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम लोग सीधे सीधे भी प्लॉटिंग कर सकते हो। सो व्हेन यू विल मैच दिस +3 विद दिस -2, यू विल गेट अ पॉइंट ओवर हियर। यू कैन नेम दिस पॉइंट एज ए -2 and 3। इज इट ओके टिल हियर? इज देयर एनी डाउट? यहां तक समझ में आ रहा है कि कैसे प्लॉट करना है? क्योंकि अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। ठीक है, okay, let's see, suppose for example another one is given, B point is given and it is says -3 -3. Okay, -3 and -3, so how could we plot for this one? Again we will see the first one as x and the second one as y, so let's see how could we go for this one. So -3 is over here for x and -3 is for here as for y. So if I will go for a dotted line, so it is going to come like this, it is going to lie over here. So this particular point I will name this one as B and this one will be -3 and -3. Okay, so like this any coordinate points, suppose for example another point is given to us, C, say as a C is given, it is 0 -5 0 -5. Okay, now an interesting thing is going to happen over here. See students, the first one is x, that is 0, and the second one is -5. So how could we plot for this one? Isko hum log kaise plot kar sakte hain? To dekho, x ke liye 0, to x ke liye 0 kaun hoga? To ye origin hi ho jayega.
और y के लिए -5, y के लिए -5 यहां पे हो जाएगा. मींस दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी ओनली नेम टू बी एज द पॉइंट c वेयर 0 -5 विल बी देयर. सो दिस काइंड ऑफ पॉइंट कैन बी आल्सो देयर. यहां पर इस तरह के भी पॉइंट हो सकते हैं. सो आई होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड हाउ टू प्लेस द कोऑर्डिनेट्स. यहां पे कोई डाउट है तो बताओ. डू एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन प्लेसिंग द कोऑर्डिनेट्स? Then I will go for the equation. No, sir. No. No, sir. Now let's see for the equations. अब देखते हैं हम लोग equation पे कैसे इसको solve कर सकते हैं या equation को कैसे plot up कर सकते हैं. Suppose for example you have been provided with an equation 2x plus 3y is equals to 5. Okay. So this is an equation and it has been asked to plot this equation on the graph. So how could we plot this equation on the graph? So very first thing which you need to do that you draw a graph. So here you place the x-axis and y-axis first. So you take a graph paper and on the graph paper, you take the midpoint and with the midpoint, you just draw the x-axis and y-axis. And by drawing the x-axis and y-axis, you please plot the values also. But don't plot very long quantity or very, very large, big kind of graph. Otherwise, you will get confused or you will not be able to draw it in a proper way. So this is x-axis. This is x dash. Over here, this is y-axis and this is y dash. This is our origin. Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Similarly, over here, -1, -2, -3, -4, -5, -6, sorry, 6. Over here, the positive one, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then go for the negative one, that is -1. Then over here, -2, -3. -4, -5, and -6. After plotting this one, you go for a small box. Okay. You draw a small box over here like this and make some columns. Which columns you will go for? You will go for x-axis and y-axis column. Okay. And divide it into at least with two values. Okay. Kam se kam do value ke saath isko hum log solve karenge. Isiliye isko is tarah se kar rahe hain. Now, over here, this would be the x and this would be the y. Now, depending on your choice, tumhare choice ke upar depend karta hai how you want to break this equation. So, you can break this equation into two forms. How? Let's see. The first form, we can say it like this. 2x equals to 5 minus 3y. Therefore, x equals to 5 minus 3y by 2. If you want to go for x, but if your choice is for y, agar tumhara y ke sath choice hai, to tum wahan se bhi ja sakte ho. There is no problem. So 3y can be equals to 5 minus 2x. So therefore y is equals to 5 minus 2x by 3. So this is completely your choice. There is no particular boundation that you have to go with x only or you have to go for y. So there is no any choice. तुम्हारे ऊपर है कि तुम x से लेकर solve करना चाहते हो कि तुम y से लेकर solve करना चाहते हो. So suppose for example, I had chosen this x one only. हम ये x के लिए लेते हैं. तो देखो यहाँ पर हम लोगों के पास y का value नहीं होने के कारण x का value नहीं निकल पा रहा है. अगर इस equation में y का कुछ value होता मेरे पास तो x का तो value निकल जाता. तो यहां पर तो x का वैल्यू तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि y का वैल्यू नहीं है. सो वी विल गो फॉर टू केसेस. ओके, सो वी विल गो फॉर हियर फर्स्ट केस वन. ओके, सो लेट y इक्वल्स टू समथिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. अगेन इट इज कंप्लीटली योर चॉइस व्हाट यू वांट टू चूज ओवर देयर. बट आई विल रेकमेंड go for a smaller numbers. Okay. Say as for example, go for -3, -2, -1,
जीरो और वन टू थ्री, दीज स्मॉलर नंबर्स. ओके, बिकॉज इफ यू विल गो विद द स्मॉलर नंबर्स इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व इट और प्लॉट इट ऑन द ग्राफ. यू कैन टेक बिग नंबर्स ऑल्सो, इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन गो फॉर माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस टेन और प्लस फाइव, प्लस सेवन, प्लस ट्वेल्व, एनी नंबर यू कैन गो फॉर, बट इट शुड मैच टू द इक्वेशन एंड इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द ग्राफ. एज बिगर वैल्यू यू विल टेक, यू योर ग्राफ विल बी बिकम मोर बिग एंड बिग. So to avoid that one, I doesn't recommend to go for a bigger numbers. Okay, I will recommend for a smaller number. So say as for example, I will take as one. Again, it is on our own choice. So over here, x is equals to 5 minus 3 into 1 by 2. So it will become as 5 minus 3 by 2. So it will become 2 by 2 and cancelling this one, I will get 1. I will just place it over here. I will just write it over here. So when my y is 1, my x is also 1. In this box, I will fill it over there. Then I will go for case 2. Okay. So case 2. So again, let y is equals to, again, your choice. Completely your choice. Say as for example, I take it as minus 1. Suppose I'm taking it as minus 1. So over here, what it would be? So x is equals to 5 minus 3 into minus 1 by 2. So it will become as 5 plus 3 by 2. So it will become as 8 by 2. It cancel 4. So when my y is minus 1, my x is 4. So I got this value. Now this table is my set of coordinates. यहाँ पर ये टेबल हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा है. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सेट हो जाएगा 1 एंड 1 का और दूसरा सेट हो जाएगा 4 एंड माइनस 1 का. अब इसको हम लोगों को प्लॉट करना है, तो चलो हम लोग इसको प्लॉट करके देखते हैं कि कहां पर ये प्लॉट हो सकता है. सो द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी फॉर 1 एंड 1, सो बोथ आर इन पॉजिटिव. सो दिस इज 1 ओवर हियर एंड दिस इज 1 ओवर हियर. सो जस्ट ड्रॉ अ डॉटेड लाइन and complete the first point. So this is 1, 1. The second one is our 4 minus 1. So 4 is in positive over here and minus 1 is going to be over here. So we will just plot this one with the dotted line. This one and this one. Yahan par aa jayega hum logo ka dusra point, jo ki 4 minus 1 hoga. Ab karna kya hai tumko? Ab bas tumko in dono points ko join kar dena. So you just draw a straight line through these points. Okay, so yahan par in dono points se ek straight line cross kar do. Your required condition or your required thing has been done. So tumhara jo linear equation ka graph banana tha, this graph has been done. So this line is actually representing the equation 2x plus 3y is equals to 5. This line which we had got with by these two coordinates is representing this equation. Is it clear? Are you all getting this thing? Yes, sir. Sir, origin से नहीं लेंगे हम लोग. नहीं, देखो origin से तो अगर बनता तब ना लेते. Origin से मेरा पास तो बन नहीं रहा है. तो origin से हमको लेने की कोई जरूरत नहीं है. हम अभी बताएं ना ये coordinates. देखो जब तुम ये equation solve किए, जब तुमने ये equation solve किया तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आया. अब जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, जो भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट बनेगा, उन कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए ही तुम्हारा ग्राफ तैयार होगा. आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस सर. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? अगर यहां तक कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ. यस स्टूडेंट्स? No, sir. No? Okay. No, sir. Okay. So let's see, move on to the next one. Then the next thing regarding to this one. Okay. So ab isi cheez se hum log ek aur condition mein chale aate hain. Jab hum logon ke paas is tarah ka ek graph plot karne ke liye dega,
तो तुम लोगों के पास क्वेश्चन होगा जिसमें कि इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन के बेसिस पर तुमको वहां पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वो तो तुम सॉल्व कर लोगे, अभी जैसे कि जो बताया है जिस मेथड से बताया है वो मेथड से तुम लोग इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। इसी में एक और चीज होता है, ठीक है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि अपना ग्राफ प्लॉट करो, और साथ ही साथ उसमें तुमको बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सर्टन थिंग। से एज फॉर एग्जाम्पल कि इफ एक्स इज टू देन व्हाट वुड बी वाई। अगर मान लो कि एक इक्वेशन तुमको दिया हुआ है और बोला गया है कि पहले तो तुम ग्राफ बना लो, ठीक है, पहले ग्राफ बना लो, देन यू टेल मी दैट इफ एक्स इज टू देन व्हाट वुड बी वाई विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के हेल्प से हमको बताना पड़ेगा, तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताने के लिए ग्राफ का यूज करके हमको आंसर के लिए जाना है। सो हाउ डू वी डू दैट, सो लेट्स सी फॉर दिस वन। Suppose, for example, this is our equation and on this one only it has been asked that if x is this, then what would be y? अगर x ये है तो y क्या होगा? तो देखो, मेरे पास तो यहाँ पे graph paper तो था नहीं, हम जिस तरह से plot किए बस उसी के basis पर तुमको बता रहे हैं, ठीक है। जब तुम लोग copy में graph paper में इसको properly तुम लोग draw करके करोगे तो exact value आ जाएगा, हम बस अभी method बता रहे हैं। देखो, हमको यहाँ पे बोला गया है कि x अगर 2 है तो y क्या होगा? So you just go through this graph and see where do your 2 lie on the x-axis. तो 2 का value जो है x-axis पर कहां पर है? इस जगह पर है। और इसी point पर y का value क्या बन रहा है? So according to the thing which we can see over here, it is not exact value. So यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो x मेरे पास है 2, तो y यहां पर कितना है? y यहां पर 0 है, बिकॉज द लाइन इज द पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस, पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे मौजूद है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, अभी फिलहाल जो हम लोगों के पास फिगर है उस फिगर के बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ x इज 2 देन y इज 0। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? Are you all getting this thing? समझ में आ रहा है ये बात कि अगर हमको एक पॉइंट दिया हुआ है तो उससे दूसरा पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? Similarly, चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। सर ग्राफ, हाँ बोलो। Yes, Raj? सर ग्राफ पे भी तो जीरो ही होगा ना? हाँ, नहीं नहीं देखो, यहाँ पर मेरे पास हम तो स्ट्रेट लाइन नहीं ना लिए हैं, तो हो सकता है कि ग्राफ में थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो जाए, हम बस दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ तो नहीं आ रहा है। तो तुम ग्राफ में जब तुम बनाओगे तो तुम वहां पे चेक कर लेना कि तुम्हारा वो एग्जैक्टली वही मेजरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट मे पॉसिबल दैट इट मे वेरी, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन पे देखो, इस इक्वेशन पे अगर हम 2 बैठाते हैं, सपोज 2 into 2 अगर करते हैं, x के जगह पर अगर हम 2 लेते हैं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। प्लस 3y के जगह पे 0 अगर करते हैं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं ना हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम बता रहे हैं। इज इट ओके? आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस यस। तो तुम लोग जब ग्राफ में एग्जैक्ट ग्राफ में बनाओगे तब ये एग्जैक्ट वैल्यू तुम लोगों को वहां पे पता चल जाएगा। चलो इसी से एक और बताते हैं। सपोज मान लो कि तुमको बोला गया है कि अगर y अगर -2 है देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x, हाउ कुड वी फाइंड फॉर दैट वन। तो हम लोग देखेंगे y -2 कहां पर ले डाउन कर रहा है। तो इस ग्राफ में y -2 कहां पर ले डाउन कर रहा है? तो देखो, ये -2 यहां पर ले डाउन कर रहा है, कहीं यहां पर ले डाउन कर रहा है। तो अभी फिलहाल इस फिगर के बेसिस पर 6 के साथ इसका कोऑर्डिनेट बैठ रहा है, 6 के साथ इसका कोऑर्डिनेट बैठ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इफ y इज इक्वल टू -2 देन x इज इक्वल टू 6। आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? समझ में आ रहा है?
फिर से पूछ रहे हैं, अगर डाउट है तो बताओ। सर सिक्स पे क्यों आ रहा है, फाइव भी फोर भी थ्री भी तो आ सकता था। देखो देख ये लाइन पे चेक करो, इस लाइन पर फिर से बता रहे हैं, देखो फिर से देख बताते हैं, एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा सर, वो वही सेम क्वेश्चन के साथ लिए हैं। हाँ हाँ उसी सेम क्वेश्चन के साथ हम ले रहे हैं कि तुम्हारे पास माइनस टू उस लाइन पर कहां पर आ रहा है। देखो माइनस टू का अगर तुम लाइन को प्रोड्यूस करते हो, ये जो इक्वेशन वाली लाइन है माइनस टू मेरे पास वाई का यहां पर है, अगर इसको हम प्रोड्यूस करके लेके जाते हैं मेरे इक्वेशन के लाइन के ऊपर, इक्वेशन के लाइन के ऊपर, तो वो एक्स एक्सिस को कहां दिखा रहा है, वो एक्स एक्सिस को सिक्स पे दिखा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया? यस। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू माइनस टू देन x इज इक्वल्स टू सिक्स। फिर से बता रहे हैं ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जब तुम लोग ग्राफ पेपर में प्रॉपरली इसको बनाओगे तो तुम लोग जिस भी इक्वेशन के लिए उसको बनाओगे वो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा, करेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा। सो द मैथड इज इंपॉर्टेंट, इफ यू अंडरस्टैंड द मैथड, इफ यू कैन गो विद द मैथड प्रॉपरली देन यू कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम आस्किंग, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस मैथड और दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन्ड? फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इज इट ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, यस सर। ओके ओके, चलो ये तो हो गया हम लोगों का सिंगल इक्वेशन के लिए, ठीक है, सिंगल इक्वेशन के लिए, लेकिन अगर हमको डबल इक्वेशन के लिए भी दिया हुआ रहे देन ऑल्सो वी विल गो विद द सेम मैथड, सो देयर विल बी नथिंग एल्स। हो सकता है कोई क्वेश्चन तुमको दे दिया हुआ हो जहां पर कि दो अलग अलग इक्वेशन को तुमको बोला जा रहा है प्लॉट करने के लिए, से एज फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव, इस तरह से दो अलग अलग इक्वेशंस दे दिया गया है और तुमको बोला गया है कि उनको प्लॉट करो, सो यू विल प्लॉट इट इन द सेम ग्राफ, टू लाइंस विल बी देयर, देयर यू विल गेट टू लाइंस एंड इट विल बी ड्रॉन इन द सेम ग्राफ, इट इज नॉट लाइक दैट द बोथ द इक्वेशंस विल बी ड्रॉन इन टू डिफरेंट ग्राफ्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट वन सम अदर क्वेश्चंस कैन बी आल्सो देयर, सच एज फॉर एग्जांपल फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ विद द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस व्हाटएवर इट इज बीन फॉर्मिंग। So such as for example, if this graph only we need to draw, अगर हम लोग यही graph बनाते हैं, so how can we go for this graph one? So just a minute, I will just give us little bit of glance of that one. So over here, we will have सारे सब्जेक्ट इसी तरह से दे देना जैसे कि पहले हम लोग किए हुए हैं, ऊपर y axis, इधर x axis, इधर x dash, इधर y dash, and over here the zero, here the positive one, then two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here it would be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. And up when we will go for this positive 1, 2, 3, 4, 5, 6. And down it will be minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. माइनस फाइव एंड नाउ वी विल मेक टू कॉलम्स। यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग बॉक्सेस बनाएंगे दो अलग अलग इक्वेशंस के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए अलग बॉक्स बनेगा और सेकेंड इक्वेशन के लिए अलग बॉक्स बनेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर वहां पर हम लोग उनके वैल्यूज को लेकर प्लॉट अप करेंगे उनको, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, एंड एटलीस्ट दो वेरिएबल्स या दो कोऑर्डिनेट्स के लिए जाना सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर लाइन, अदरवाइज यू विल नॉट बी, एटलीस्ट टू, इफ यू विल गो फॉर थ्री ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम बट एटलीस्ट टू यू गो फॉर इट। सो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, सो फॉर बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन दिस वन एंड द सेकेंड इक्वेशन दिस वन, सो अगेन एज पर टू योर चॉइस, सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन सो एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री, so therefore x is equals to 3 minus 2y, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अजम कर सकते हैं कि let y is equals to 1, so if y is equals to 1 then x is equals to 3 minus 2 into 1, so it is 3 minus 2, it is equals to 1,
So if y is 1, then x is also 1. Then we will go for the second quantity. So case 2. So let y is equals to minus 1. Suppose हम एक पॉजिटिव ले रहे हैं, उसी का हम नेगेटिव ले भी ले लेते हैं. तो x is equals to 3 minus 2 into minus 1. So it will become 3 plus 2. So it is 5. So when it is, when y is minus 1, then x is 5. So this we got for the first set. और उसी तरह से हम लोग second set में भी चले आ सकते हैं, second equation के लिए. So the second equation is 2x minus y is equals to 5. So we can say it like this, that minus y is equals to 5 minus 2x. ठीक है? तो तुम्हारे मन, हम यहाँ पे y के साथ चल रहे हैं. So let x is equals to again 1. You can go for 1 or say as 0. चलो हम 0 एक भी लेके चलते हैं ताकि तुम लोगों को वहाँ पे solve करने में भी easy हो जाए. So y is equals to 5 minus 2 into 0. So it will become 5 minus 0. It will become 5. Okay. So if we are getting for x as 0, अगर हम लोग x को 0 लेते हैं, then y will be minus 5. See, यहाँ पे minus y है, तो यहाँ पर 5 y में चले जाएगा minus में. फिर उसी तरह से हम लोग ले लेते हैं, let x is equals to 1, then what it would be? Minus y is equals to 5 minus 2 into 1. So it is equals to 5 minus 2. So it is going to be 3. So when x is 1, then y is minus 3. Now you just plot this value. अब ये सारे value को तुमको यहाँ पे plot up करना है. तो कैसे करेंगे? तो 1, 1 के लिए. 1, 1 के लिए करेंगे तो first plot हम लोगों का यहाँ पर आएगा. This one will be there, the first one. So 1, 1. Then we will see for 5 minus 1. 5 minus 1, so 5 minus 1, 5 यहाँ पर है और minus 1 यहाँ पर है. तो इसका अगर हम लोग लेते हैं, so it is going to be over here, somewhere over here. This is 5 minus 1. The next one we are having, but before going to the next one, let's draw the line over here. क्योंकि ये दोनों एक equation का है, ये दोनों point एक equation का है. तो इससे हम लोगों का point कुछ इस तरह का बनेगा. ये बन गया हम लोगों का. फिर सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोगों के पास है 0 माइनस 5. तो 0 माइनस 5, x पे 0 और y पे माइनस 5. सो इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर ओनली, ऑन दिस लाइन ओनली. सो दिस इज 0 माइनस 5 एंड द सेकंड वन इज 1 माइनस 5. 1 इज पॉजिटिव एंड माइनस 3, सॉरी नॉट 5, माइनस 3. सो ओवर हियर दिस वन, ओके, सो दिस वन एंड दिस माइनस 3. तो यहां पर आ रहा है ये पॉइंट. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से भी एक लाइन को क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, इन दोनों से भी लाइन को क्रॉस करते हैं. तो देखो, दोनों लाइन, दोनों ग्राफ के लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. दोनों ग्राफ का लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा इस तरह से. ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम लोगों को ये ग्राफ तैयार होने वाला है. So, जब हम लोग इस तरह के इक्वेशन में ग्राफ बनाते हैं, सो लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइंस कैन बिकम पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस कैन कोइंसिड ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर भी आ सकता है. तो इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग क्लास 10th में समझेंगे. ये फिर से रहेगा क्लास 10th में, फिर से रहेगा और तभी इसको हम लोग फिर से समझेंगे किस तरह से कब इंटरसेक्ट होने वाला है, कब वो पैरेलल होने वाला है और कब वो कोइंसिड करने वाला है. सो आर यू ऑल गेटिंग दिस थिंग? Have you all understood? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I hope this chapter is clear to you all. But even though if you have any problem or any doubt, you please feel free to ask me. Tomorrow we will have the physical class. So in that class also you can ask. We can clear out the doubts. And in the next online class also we can clear out the doubts wherever it will be possible. Okay. So you all please do this exercise and whatever the problems or doubts you are getting, you please take it out. Okay. So I will end up the class over here and we will meet again tomorrow. Sir, tomorrow timing? 11 a.m. Okay. Sir, 11 to? Let's see till what time you all can be able to be there. Okay. So are we having all the three classes tomorrow? No, all the three classes I can't say because I will be there
and I don't know about other teachers. Okay, so most probably tomorrow morning I will let you know. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay. Okay then. So thank you everyone. Bye. Good night. And please practice this. Thank you, sir. Thank you.